सोलह फ्रीओन बात साइड ट्रेडिंग ग्रुप में आप सभी लोगों के एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न सीखने वाले जिसका नाम है दोस्तों हेड एंड शोल्डर हेड एंड शोल्डर जो चार्ट पैटर्न है दोस्तों ये मार्केट के अंदर आप लोगों को टॉप के अंदर देखने को मिलता है और ये एक्चुअली डाउन साइड की सिग्नल देने वाली पैटर्न है जिस पैटर्न के बारे में हम लोग वॉल्यूम के साथ इस पैटर्न को कॉम्बिनेशन करके सीखने वाले जिससे इस पैटर्न का विनिंग चांस और भी इंक्रीज हो जाए सो so, दोस्तों हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है दोस्तों ये पैटर्न जो एक इंसान का जो शोल्ड होता है एक का शोल्डर होता है और एक तरह का हेड होता है ये शोल्डर होता है सो so, अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा इट इज ए अपसाइड मार्केट अपसाइड मार्केट के अंदर थोड़ा मार्केट के अंदर डाउन सा रहा तो यहाँ पर एक शोल्डर बन गया उसके बाद ये हेड हो गया और ये फिर अगेन यहाँ पर नीचे आके फिर ऊपर आके फिर आ गया तो इट इज ए हेड एंड शोल्डर ठीक है ना तो एक इंसान का जो बॉडी टेक्चर होता है बॉडी टेक्चर के अंदर जो शोल्डर हेड एंड शोल्डर इसको कॉम्युनिकेशन करके इसका नाम दिया गया है दोस्तों हेड एंड शोल्डर सो इसको कहा जाता है टोटली हेड एंड शोल्डर तो ये होता है दोस्तों हम लोगों का राइट शोल्डर और ये होता है हेड और इसको कहा जाता है दोस्तों लेफ्ट शोल्डर जैसे अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर डॉ करके देखा हूं मान के चलो एक अपर साइड की मार्केट कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल रहा है अगर इस अपर साइड मार्केट को अपने ट्रेंड को चेंज करना है और यहां से अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो दोस्तों आपको एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर मार्केट पहले क्रिएट करता है देन यहां पर अगेन मार्केट डाउन साइड की मूवमेंटम को कंटिन्यू करता है तो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है दोस्तों पैटर्न नॉर्मली आप लोगों को मार्केट के टॉप में देखने को मिलता है जब मार्केट अपने ट्रेन को चेंज कर देता है सो so, इस हेड एंड शोल्डर के साथ यहाँ पर अभी आप लोग देख पा रहे हो एक निक लाइन है ये निक लाइन का, का काम कैसे होता है और इस हेड एंड शोल्डर को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से पोजिशन बना सकते हैं वो मैं आप लोगों को चार्ट में जाके एक्सप्लेन करूंगा इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप इंटरटे के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एंड इन्वेस्ट के अंदर भी इसको आप यूज़ कर सकते हो इसको नॉर्मली वन मिनट टाइम फ्रेम टेन मिनट टाइम फ्रेम फाइव मिनट टाइम फ्रेम वन आवर टाइम फ्रेम वन डे टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम सारे टाइम फ्रेम के साथ आप इसको यूज कर सकते हो ओके सो अभी हम लोग चार्ट के अंदर चले जाते हैं सो राइट नाउ दोस्तों यहां पर अभी आप लोग देखो मैं यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर वन मिनट टाइम फ्रेम के अंदर इस पैटर्न को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जिससे इस पैटर्न को आप इंटर के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाओ जैसे अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट हुआ है मैंने एक एक करके सारे पैटर्न का नाम देके रखा है इट इस राइट शोल्डर इट इज ए हेड इट इज इस लेफ्ट शोल्डर जैसे आप लोग देखो पहले आप लोगों को हेड एंड शोल्डर को कहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना है इस चीज़ को आप समझा लीजिए आपको इसको करना है मार्केट का टॉप में जैसे अभी आप लोग देखो यहां से मार्केट के अंदर एक की हेड क्रिएट हुआ उसके बाद, बाद यहाँ पर राइट शोल्डर क्रिएट हुआ देन जब भी इस लेवल को ब्रेक डाउन करेंगे मार्केट जो नेक लाइन यहाँ पर अभी आप लोग देखोग इस लाइन को जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेंगे देन, हम लोग एग्जैक्ट इस एरिया के अंदर हम लोग पोजिशन बनाएंगे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जब इस लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन करेंगे इस लाइन को फाइंड आउट करने के इस लाइन को ड्रॉ करने का तरीका भी दोस्तों बहुत ही आसान है मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे ये जो लेफ्ट शोल्डर की जो यहाँ पर आप लोग देखोगे लेफ्ट शोल्डर का एक बॉटम बना हुआ है एंड यहाँ पर राइट right शोल्डर की जो बॉटम बना हुआ है लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर की जो बॉटम है इस बॉटम को दोस्तों आपको मार्क करना है ट्रेन लाइन के जरिए जैसे यहां पर मैं मार्क रहा एंड इसके बाद जैसे राइट शोल्डर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करेंगे और इसके नीचे जैसे कैंडल क्लोज होगा देन हम लोग यहां पर एक शॉर्ट मतलब सेलिंग पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर हम लोग एसेल कहाँ पर लगेंगे इसके नीचे का कैंडल जब क्लोज होगा और हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे इसका प्रीवियस कैंडल मतलब दिस इस कैंडल के एकदम ऊपर दोस्तों हम लोग एसेल लगाएंगे और टारगेट क्या होगा दोस्तों टारगेट और भी टारगेट को आइडेंटिफिकेशन करना और भी ज्यादा इजी है दोस्तों जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे टारगेट आइडेंटिफिकेशन लेफ्ट शोल्डर की जो बॉटम होता है लेफ्ट शोल्डर बॉटम टू हेट लेफ्ट शोल्डर बॉटम टू हेड में जितना पॉइंट आता है इस पॉइंट को दोस्तों आपको टारगेट की तरह देखना है लेफ्ट शोल्डर की बॉटम एंड हेड जैसे यहाँ पर आप लोग देखो इट इस लेफ्ट शोल्डर बॉटम एंड इट इज ए हेट सो लेफ्ट शोल्डर एंड बॉटम की हेट जितना पॉइंट होता है इस पॉइंट को दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपने टारगेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे लेट एग्जाम्पल यहाँ पर मान के चलो यहां पर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है मार्केट एंड ब्रेक डाउन करने के बाद हम लोगों ने शॉर्ट पोजिशन बनाया देन यहां पर देख लेते आफ्टर शॉर्ट पोजिशन मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट करते जैसे यहाँ पर आप लोग देखोग हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाया शॉर्ट पोजिशन बनाने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन किया हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे उसके बाद स्लोली स्लोली आप देखो मार्केट के अंदर किस तरह से अपने डाउन की है है दोस्तों कंटिन्यू कर रहा जैसे यहां पर अभी आप लोग देखोगे बहुत ही पैटर्न इस पैटर्न को दोस्तों आप इंटरडे के अंदर यूज करो आप स्विंग में यूज करो आप इन्वेस्टमेंट में यूज करो सारे कैलकुलेशन सारे टाइम फ्रेम के अंदर इस पैटर्न को बहुत ही आराम तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो जैसे पर आप लोग देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया मार्केट स्लोली स्लोली अपने डाउन साइड की जो मूवमेंट वो कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पर टारगेट को हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेशन करना है जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अगेन यहां पर आप लोगों को दिखा देना चाह रहा हूँ जो लेफ्ट शोल्डर का जो बॉटम होता है लेफ्ट शोल्डर बॉटम टू हेड लेफ्ट शोल्डर बॉटम टू हेड सॉरी यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर बॉटम और थोड़ा आप लोगों को ऊपर लेना है देन यहाँ पर आपको सो so यहाँ पर जैसे अभी आप लोग देखोगे इसको में तो हां राइट ये जो एरिया है ये एरिया आपका कहना कहीं टारगेट है लेफ्ट शोल्डर के बॉटम टू हेड के ऊपर वाला जो एरिया है वो एरिया आपका टारगेट होगा सो यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा आपने एक्सर इस एरिया के अंदर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बने और इससे लेके इसका जो भी मोमेंटम है वो मोमेंटम कहने के दोस्तों आपकी टारगेट बनेगा जैसे यहां पर अभी आप लोग देखोगे आपकी जो टारगेट यहां पर कंप्लीट हो चुका है ओके सो इस तरह से दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है मैं आपको और एग्जाम्पल दे दे रहा हूं जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से इस चीज को समझ में आए So, जैसे यहां पर आप लोग देखोगे मैं यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ अभी इसका एग्जाम्पल देने वाला हूं मारुति के अंदर डेली टाइम फिल्म के अंदर अभी आप लोगों को देने वाला हूं तो so, दोस्तों यहाँ पर जैसे अभी आप लोग देखोगे फॉर डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज यहाँ पर अभी आप लोग नोटिस करो आप लोगों के यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे यहां पर आप लोग देखो मार्केट के अंदर एक अपर साइड की मोमेंटम देन यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की मोमेंटम अगेन मार्केट ऊपर गया एगेन मार्केट नीचे अगेन ऊपर एंड राइट नाउ यहाँ पर मार्केट के अंदर आप लोगों को दोनों शोल्डर रेडी हो गए इट इज ए राइट शोल्डर इट इज ए लेफ्ट शोल्डर इट इज ए हेड जैसे यहां पर अभी आप लोग देखोगे इट इज ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ट्रेल लाइन को ड्रॉ करना है प्रॉपरली आप लोग जो ट्रेल लाइन के ड्रॉ करोगे इस तरह से आप इसको अपने ट्रेल लाइन को ड्रॉ कर सकते हो ये जो ट्रेल लाइन को ड्रॉ करने के टाइम थोड़ा बहुत आप इसको ट्रेल लाइन को एडजस्टमेंट करके ड्रॉ करना देन आप लोगों को यहाँ पर सक्सेस रेशियो इंक्रीज होगा जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर जो मैंने ट्रेल लाइन को ड्रॉ किया प्रॉपरली इसका जो डाउन साइड है और इसका डाउन साइड दोनों को मैंने डाउन साइड को एडजस्टमेंट करके यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है नहीं तो आपको जैसे एक्सप्लेन किया है इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीच करके भी आप डॉ कर सकते इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है ओके प्रॉपरली हम लोग कहां पर इसको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी करेंगे जब इस मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन कर देगा और इसके नीचे जब प्राइस क्लोजिंग होगा तब हम लोग यहाँ पर पोजिशन बनाएंगे जब इस ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन करेगा आप लोग और एक कॉन्फर्मेशन यहाँ पर ले सकते हो अपने विनिंग चांस को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए नीचे जो वॉल्यूम प्रोफाइल को चार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर भी दोस्तों इंक्रीज होना चाहिए

टारगेट बनने वाला है आपका टारगेट है 930 पॉइंट ओके सो so बिकॉज़ 930 पॉइंट आपको कहाँ से कहाँ तक होगा इधर आप देख लीजिए 930 सो so 930 दैट मींस आपको इस एरिया तक तो आपको मोटा-मोटा टारगेट मिलेगा बिकॉज़ ये जो 930 को हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेशन किया यहाँ पर हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया दोस्तों लेफ्ट होल्डर की जो बॉटम है लेफ्ट होल्डर के बॉटम टू हेड लेफ्ट शोल्डर की बॉटम टू हेड का जितना आपको यहाँ पर नंबर देखने को मिलेगा लेफ्ट शोल्डर टू हेड का जितना यहाँ पर नंबर है जितना पॉइंट का यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उतना पॉइंट दोस्तों आपका टारगेट है लेफ्ट so शोल्डर से लेके मैं हेड तक और पर खींचू तो आप लोग देखोगे 937 पॉइंट की देखोग पर आप लोगों को रेंज देखने को मिल रहा है ये सेम रेंज यहाँ पर जब आप शॉर्ट करोगे तो ये सेम रेंज दोस्तों आपकी टारगेट के हिसाब से काम करेगा जैसे यहां पर अभी आप लोग देख सकते हो ये सेम रेंज हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट की तरह यूज किया और आप लोग देखोगे यहाँ पर प्रॉपरली जो हम लोगों की टारगेट है दोस्तों यहाँ पर टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ सो so, इसको हम लोग एनादा चार्ट के अंदर देखते हैं फॉर टेन मिनट टाइम फ्रेम मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदुस्तान लिवर के अंदर दिखा रहा हूं जैसे यहां पर आप लोग देखोगे अपर साइड की मार्केट उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हेड एंड सोल्ड हेड यहाँ पर क्रिएट हुआ हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर रेडी हुआ यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपरली जो इसका जो लेफ्ट एंड राइट की जो बॉटम है इस बॉटम को हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेल लाइन को ड्रॉ किया और आप लोग देखोगे कि जैसे इस ट्रेल लाइन को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और नीचे आप लोग देखो आपको वॉल्यूम के अंदर भी दोस्तों राइजिंग देखने को मिला इंक्रीज देखने को मिला और हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाया और इसका जो प्रीवियस कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर हम लोगों ने एसेल लगाया और उसके बाद दोस्तों आपकी जो लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर की बॉटम टू हाइट तक जितना आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है थर्टी पॉइंट थर्टी फाइव देखने को मिल रहा है तो थर्टी फाइव पॉइंट आप यहां पर हमने टारगेट के लिए लगा लीजिए बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है दोस्तों आप इसको वन मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखो वन डे के अंदर देखो सारे टाइम फ्रेम के अंदर अभी इसको यूज कर सकते हो वन मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बहुत देखने को मिलेगा और इंटर के अंदर आपको ये बहुत ही बेहतरीन आपको दोस्तों मुनाफा कमाने देने वाली पैटर्न है दोस्तों जैसे यहाँ पर अभी आप लोग थोड़ा ध्यान से ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे टाइम हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर बहुत चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे हिंदुस्तान रिलीवर के अंदर वन मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न फाइंड आउट किया जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट अपर साइड की मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू किया यहाँ पर मार्केट का एक टॉप लगाया उसके बाद रिजेक्शन हुआ रिजेक्शन होने के बाद अगेन मार्केट अपर साइड की मूवमेंट हम कंटिन्यू किया अगेन मार्केट के अंदर यहाँ पर हम लोग को रिटेल्स में नजर में आया अगेन मार्केट के अंदर अपर साइड की मूवमेंट अगेन मार्केट के अंदर हम लोग को डाउन साइड की फॉल्ट हम लोगों को नजर में आया अभी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा हेड जो है दोस्तों हेड हमेशा यहाँ पर अपर साइड में रहेगा हेड का रेंज हमेशा बड़ा रहेगा ये जो शोल्डर होगा दोस्तों शोल्डर कभी भी हेड के ऊपर नहीं आना चाहिए अगर शोल्डर हेड के ऊपर आ जाता है तो उसको हम लोग हेड एंड

वॉल्यूम देखने को मिला वॉल्यूम आपको कॉन्फिडेंस देता है दोस्तों वॉल्यूम आपकी जो पैटर्न है इस पैटर्न की विनिंग चांस को और भी ज्यादा इंक्रीज करने में दोस्तों आपको मदद करता है एंड उसके साथ आपने यहाँ पर पोजिशन बनाया आपका एस क्या होगा प्रीवियस कैंडल मतलब इस कैंडल के थोड़ा ऊपर आप यहाँ पर एसेल लगा दीजिए इस एरिया के अंदर आपका एसेल है और एसे जब लगाना आप चीज को याद रखना ना लगाने के टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपकी पॉइंट होगा वो पॉइंट आपकी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही एस लगाना कोई स्ट्रेटर्जी कोई पैटर्न कोई भी एनालाइज दोस्तों हंड्रेड परसेंट नहीं है दोस्तों इसीलिए आपकी जो आपका मनी मैनेजमेंट आपको खुद को सेफली रख के काम करना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टारगेट फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर जो राइट right शोल्डर है राइट right शोल्डर की बॉटम टू हेड का जो रेंज है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा राइट शोल्डर की बॉटम टू हेड आप लोग देखोग यहाँ पर सेवन पॉइंट देखने को मिल रहा है तो यहाँ से लेके सेवन पॉइंट दोस्तों कहना कि दोस्तों आपके लिए एक टारगेट के हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सको ठीक है ना यहां से लेकर यहां तक जो सेवन पॉइंट की जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपने टारगेट के हिसाब से आप इसके अंदर यूज कर लेना जो आपका

मैं आप लोगों को यहाँ पर एस की कैलकुलेशन दिखाता हूँ यहां से लेकर यहां तक आपका एस एल एन पॉइंट मतलब दो पॉइंट का आपका एस एल तो दो पॉइंट का एस और टारगेट यहाँ पर सेवन पॉइंट का तो क्या हो रहा है है कि आपके रिक्स हो रहा रहा है है दोस्तों कहना आपकी रिवॉर्ड सो मिनट मिनट के one, one के टाइम फ्रेम अंदर जब जब भी आप जब आप यूज करो देखो three, two, four, आपका टारगेट मिल रहा है तो एस एल टायल करते रहो बिकॉज वन मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको बहुत देखने को मिलेगा बट वन मिनट टाइम फ्रेम के अंदर नॉइस भी ज्यादा है तो इसके लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी वन

कैसे आप लोग देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा क्या कि पीछे वाला मार्केट बुल होना पड़ेगा तो पीछे वाला मार्केट यहाँ पर अपर साइड देखने को मिला राइट यहाँ से मार्केट के अंदर हम लोगों को थोड़ा रिटेल देखने को मिला फिर यहाँ पर मार्केट अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया फिर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू किया फिर मार्केट के अंदर अपर साइड मोमेंटम आया देन मार्केट अगेन डाउनफॉल की मोमेंटम आ गया तो यहाँ पर हम लोग ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेन लाइन को कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है जो राइट शोल्डर टू यहां पर जो भी आप लोगों को स्विंग लो मिलेगा उसके साथ आपको एडजस्टमेंट करके आपको यहां पर मार्क करना है ओके okay, हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर लिया पॉपरली जैसे आप लोग देखोगे इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जब भी स्ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेक डाउन करेंगे इसके नीचे प्राइस आ जाएगा शॉर्ट पोजिशन बनाएंगे नीचे आप लोग वॉल्यूम को थोड़ा देखना कि वॉल्यूम यहाँ पर राइजिंग हुआ है कि नहीं हुआ है जैसे आप लोग देखो प्रीवियसली वॉल्यूम को देखना प्रीवियस वॉल्यूम को देखो यहाँ पर मार्केट एकदम वॉल्यूम डाउन डाउन हो गया था एगेन जब लेवल को ब्रेक डाउन किया तो मार्केट के अंदर एगेन वॉल्यूम क्या होने लगा? Slowly, slowly increase होने लगा लगा हम हम लोग लोग पर एक बनाएंगे इस के ऊपर लगाएंगे लेफ्ट शोल्डर की बॉटम टू हाइट जो भी यहां पर आपकी पॉइंट देखने को मिलेगा लेफ्ट शोल्डर बॉटम टू हाइट यहाँ पर आप पॉइंट एक बार देख लीजिए फोर्टी थ्री पॉइंट पॉइंट पर फोर्टी थ्री पॉइंट आप यहाँ पर अपने टारगेट मान के चली जैसे यहां पर आप लोग देखोगे यहाँ पर

वीडियो में आप लोगों के लिए और रेडी करूँ तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना और अगर दोस्तों चैनल के अंदर नए हो तो डेफिनेटली दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करो अपने फैमिली अपने फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करो जो न्यू न्यू स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे एंड फ्रीली एजुकेशन चाह रहे सीखना चाह रहे चार्ट पैटर्न के अंदर लर्निंग करना चाहते तो दोस्तों उन लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों आप जब लोगों को केयर करोगे लोगों को आप हेल्प करने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं हेल्प आपके पास घूम फिर के आएगा दोस्तों तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर करना जो भी लोग स्टॉक श्टौर्मा, मार्केट के अंदर सीखना चाहते सो थैंक यू